आज महानगर पालिका की विविध समस्या को लेकर नाली की साफ सफाई, गटर की साफ सफाई, रास्ते का दुरुस्तीकरण, कचरे में उठाने के नाम पर हो रहा भ्रष्टाचार, लोगों को हो रही शॉर्ट पीने की पानी की सप्लाई, रास्ते में जगह जगह पे बरसात में खड्डे, भारी बारिश के बाद जिस तरह से बीमारी फैली हुई है, चाहे लेप्टो हो, डेंगू हो, वायरल हो, मलेरिया हो, ऐसे बहुत सारी समस्या को लेके जो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, शमशान भूमि कब्रिस्तान का रुका हुआ विकास हो, नेहरू नगर में जाने वाले, कसाईवाड़ा में जाने वाले कब्रिस्तान का जो रास्ता था उसको बंद करने का विषय हो, नीम हिल रोड पे पानी की शॉर्ट सप्लाई का विषय हो, भारत कोल कंपाउंड में हजारों बेरोजगारों को रोजगारों को बेरोजगार करने के लिए महानगर पालिका और बिल्डर का जो षड्यंत्र चल रहा है उसको रोकने की बात हो, फेरी वालों पर गैर कानूनी तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, हफ्ता वसूली हो रही है, उसके खिलाफ मुद्दा हो, और गली गटर लाधिकरण, रास्ते साफ सफाई, लोगों को कचरा पेटी, बहुत सारे इशू को लेकर ऐसे सारे महानगर पालिका से संबंधित विषय, स्कूलों में बच्चों को सही तरह से शिक्षा नहीं मिल रही, उनको बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, उसके लिए वहाँ साफ सफाई नहीं है, बाथरूम की सुविधा नहीं है, महानगर पालिका के स्कूल एकदम बदहाल पड़े हुए हैं, दवा खाने में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, उसका विषय है। इस तरह से महानगर पालिका के बहुत सारे जो बुनियादी सहूलत, नागरिक सुविधा, जो आम नागरिक का अधिकार है, जन्म से अधिकार है, और सैकड़ों करोड़ रुपया हर साल इस एल वार्ड में विकास के लिए आता है, वो पैसे में हो रहा भ्रष्टाचार हो, उसकी विजिलेंस के जरिए जांच होनी चाहिए और ये सारे काम फिर से होने चाहिए। एक मेमोरेंडम, एक यादी हमने वार्ड ऑफिसर को दिया है, यहाँ के जो प्रशासकीय अधिकारी हैं, और हमने मांग की है कि तुरंत एक विजिलेंस कमेटी बनाकर ये सारे काम वार्ड में 8 दिन में शुरू होने चाहिए, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 8 दिन के अंदर अलग अलग विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर और सभी काम को ताबड़तोड़ शुरू कराएंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। आज इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी का एक विशाल मोर्चा, जो जन आक्रोश मोर्चा के नाम से हम लोगों ने निकाला है, आज हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं, और प्रशासकीय अधिकारी वार्ड ऑफिसर को हम लोग मिले और उनको हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने इंश्योर किया है कि आने वाले 8 दिन के अंदर इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। मराठी आज महानगर पालिका मध्ये फैलत असलेली रोगराई, सप्लाई होत नसलेला पाणी, पाणीची होत असलेली टंचाई, रास्ते गटर मेन रोड, पावसामध्ये जागोजागी झालेले खड्डे, अशी आणि मनपा शाळांमध्ये अव्यवस्था, मनपा दवाखान्यामध्ये नसलेले डॉक्टर, मिळत नसलेली औषध, असे अनेक विषय, स्मशानभूमीचं सौंदर्यीकरण, नागरिक सुविधा, असे अनेक विषय घेऊन, आणि विशेष म्हणून भारत कोल कंपाऊंडमध्ये जे अनेक पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय करता है, आणि 4000 पेक्षा जास्त कामगार तिथे स्थानीय कामगार आहेत, तेना बेघर बेरोजगार करण्याचा जो षड्यंत्र आहे बिल्डर आणि मनपाच्या अधिकाऱ्यांशी मिलीभगतमुळे, ह्या सगळे विषय घेऊन आम्ही आज हे मोर्चा काढलेला आहे, जनक्रोश मोर्चा काँग्रेस पक्षाच्या वतीने, आणि त्याचं निवेदन महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय अधिकारी इंडू ब्रॅकेट वॉर्ड अधिकारी वॉर्ड ऑफिसर यांना आम्ही दिलेला आहे, त्यांनी आम्ही आश्वासन दिलेलं आहे की आम्ही 8 दिवसांमध्ये हेडवाईज अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आणि प्रत्येक काम ताबडतोड सुरू करू, आणि आमची मागणी आहे की जो भ्रष्टाचार आहे त्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी विजिलन्स कमिटी स्थापित करावा, आणि हे निधी नीट आणि व्यवस्थित नागरिक सुविधासाठी खर्च व्हावा, ते सुद्धा आम्ही मागणी केलेली आहे। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की तो बात को आगे बढ़ा रहे हैं।